हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैम फैशन अप, जहाँ पर मैं आप लोगों से बात करती हूँ प्रोडक्ट्स से और कुछ फैशन के बारे में और अपनी लाइफ की कुछ अपडेट्स भी शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आज से बिहार का महापर्व लोक आस्था का पर्व छठ का शुभारंभ हो चुका है, तो आज है नहाए खाए। तो सबसे पहले आप लोगों को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और नहाए खाए को या कद्दू भात भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे बिहार में ट्रेडिशन होता है आज के दिन कद्दू खाना ही होता है। तो आज हमारे इस पर्व में क्या क्या होता है वो सारा कुछ मैं आज इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये चार दिन का पर्व है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए हर डे तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं डे बाय डे आप लोगों के साथ ये पूजा का पूरा ही ब्लॉग शेयर करूं। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और इस वीडियो को एंजॉय करें। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड द प्रेस द बेल बटन। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आप देख सकते हो नहाए खाए का तैयारी स्टार्ट हो गया है और अभी पूजा से रिलेटेड जितने भी बर्तन है वो सारे धुल गए। अब मेन काम यहाँ पे होता है सबसे पहले कि गेहूं को धो करके उसे बहुत ही अच्छे से बैठ के सुखाना होता है। तो नेक्स्ट अब जो है गेहूं को सुखाने की बारी है, तो अभी सबसे पहले गेहूं को वॉश किया जाएगा। और आप देख सकते हो इस तरीके से पूरे छत को भी धुल दिया गया है, क्योंकि इसमें एक एक चीज बहुत ही आस्था और इसके साथ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा छत भी धुल के रेडी है। आप देख सकते हो इस गेहूं को धोने के लिए गंगा जल का भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज बहुत ही मान्यता के साथ होता है। तो यहाँ पे आप बाल्टी में देख सकते हो ये गंगा जल है और इस गेहूं को उस गंगा जल से अच्छे से धुला जाएगा। अब गेहूं को धुलने के बाद इस तरीके से धुले हुए धोती पे जो है इसे अच्छे से पसार दिया जाता है और इसे तब तक बैठ करके सुखाना होता है जब तक ये बहुत अच्छे से धुल ना जाए, अच्छे से सूख ना जाए, क्योंकि इसे जो है ना फुल प्रोटेक्शन में सुखाना होता है कि कोई चिड़िया या फिर कुछ भी इस तरीके से गंदा ना हो। तो यहाँ पे किसी को बैठना है और इसे तब तक सुखाना है जब तक ये पूरे अच्छे से ड्राई ना हो जाए। हमारे यहाँ नहाए खाए का जो मेन खाना होता है वो आज कद्दू खाना ही होता है, ये हमारे यहाँ प्रायोरिटी होता है। तो आज जितनी भी सब्जी हो, जितनी भी दाल वगैरह हो, सब कुछ में कद्दू डाल के ही बनता है। तो इसे कद्दू भात भी बोला जाता है इस नहाए खाए को। तो आप देख सकते हो अभी कद्दू छिल रही है, अभी कद्दू की सब्जी भी बनेगी, फिर दाल में भी पड़ेगा। तो आज जो है बिहारी स्टाइल में कैसे हम लोग नहाए खाए में खाना बनाते हैं वो सारा कुछ मैं अभी आगे वीडियोज में अभी शेयर करूंगी। आज बन रहा है अभी देख सकते हो दाल कद्दू, तो इसमें चना दाल और दाल कद्दू है और सारा मसाला वगैरह सब कुछ न्यू निकाल के बना। और आप देख सकते हो यहाँ आलू गोभी भी बन के रेडी है। आप देख सकते हो ये तिलौरी भी भून चुका है और ये जितना भी तिलौरी है सब सेंधा नमक का बना हुआ है, क्योंकि आज के दिन जो है बिना लहसुन प्याज और सेंधा नमक का खाना खाया जाता है। तो इस तरीके से ये भी बन गया है। इधर अरवा चावल और कद्दू दाल ये भी बन गया है। अब आप देख सकते हो गोभी, परवल, कद्दू, आलू, इसका सबको का बचका बन। और ये आप देख सकते हो बेसन का घोल रेडी है और इस बेसन के घोल को डिप करके और इसे डीप फ्राई करते हैं। तो यही है आज का जो है खाने का बचका। यहाँ पे मैं बैठ करके गेहूँ को सुखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ आती है तो इसके लिए डंडा लेके बैठना पड़ता है, चिड़िया को उड़ाना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे गेहूँ को ड्राई कर रही हूँ। तो ये है आज का पूरा जो खाना, दाल कद्दू, अड़वा चावल,
पापड़, बचका, आलू गोभी की सब्जी। तो बस आज सब लोग यही खाएंगे और यही होता है, सारा सेंधा नमक का बनता है और सारे में जो है लहसुन प्याज नहीं यूज किया गया है। अब आप देख सकते हैं गेहूं सुखा करके पूरे अच्छे से अब ड्राई हो गया है। अब इसको अच्छे से समेट करके और फिर इसका आटा पिसाया जाएगा और जितने भी प्रसाद बनते हैं वो सारा इसी गेहूं से बनता है, चाहे वो खरना का प्रसाद हो या फिर छठ पूजा में जो भी सूप पे लगता है वो सारा प्रसाद इसी गेहूं का बनता है। तो अब अच्छे से गेहूं सूख चुका है, अब मम्मी इसे उठा करके इसे रख देगी और आज जहाँ भी मील होता है वो पूरा धुला हुआ होता है और उसमें जाके इस आटा को पिसाया जाता है। आप देख सकते हो आसपास जितने भी छत हैं सब पे सब लोगों की गेहूं सूख रही है और ऐसे ही आज बैठ करके गेहूं को सुखाना होता है तो सब लोग ऐसे ही गेहूं को सुखाते। आई होप आप लोगों को आज का ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे का भी ब्लॉग जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एंड आप लोगों को फिर से हैप्पी छठ।